हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हैवेल्स के शेयर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, शेयर में आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आखिर ये गिरावट क्यों देखने को मिली है, इसका न्यूज़ क्या है, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके आज के सेंटीमेंट के साथ इसके अगले दिन का भी सेंटीमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि अगले दिन आपको ट्रेडिंग करने में काफ़ी आसानी हो सकती है और काफ़ी अच्छी आप पैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इस सारे पॉइंट्स के कन्फर्मेशन के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें, और इसी तरह के शेयर्स न्यूज़ हमेशा पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए मैं आपको एनएसई के चार्ट पे इसके आज का सेंटीमेंट थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने जो है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का मैंने चार्ट लगा रखा है। अगर बात करें इसके आज के क्लोजिंग प्राइस की, तो आप देख सकते हैं 1288 की इसने आज की क्लोजिंग प्राइस देखने को मिली। अगर रुपीज़ की देखें तो गाइज़ ये 118 रुपीज़ से ये आज आपको डाउन बनाता हुआ देखने को मिला। अगर परसेंटेज को ध्यान दें तो -8.40% से आज शेयर काफ़ी डाउन देखने को मिला है। अगर बात करें इसके प्रीवियस क्लोजिंग की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1406 की इसने प्रीवियस क्लोजिंग प्रोवाइड की थी, लेकिन अगर बात करें इसके आज के ओपनिंग प्राइस की, तो 1354 यानी कि गाइस काफ़ी गैप डाउन आज ये ओपनिंग किया है। लेकिन अगर बात करें इसके हाई प्राइस की, तो ओपनिंग के गाइस थोड़ा सा ऊपर तक इसने हाई प्राइस भी गया, 1364 का इसने हाई क्रिएट किया है। और अगर बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियरली और काफ़ी नीचे जाते हुए गाइस इसने आज जो है 1210 का, जो कि आज के ओपनिंग प्राइस से भी डाउन जाता हुआ गाइस इसने आज लो बनाया है। आगे बढ़ते हुए गाइस अगर देखें इसके ट्रेडेड वॉल्यूम को, तो आप देख सकते हैं इसका ट्रेडेड वॉल्यूम जो कि आपके सामने 82,13,202 की जो है इसके ट्रेडेड वॉल्यूम आपको देखने को मिल रही है। यानी गाइस काफ़ी अच्छी है जो है आपको ट्रेड करता हुआ शेयर देखने को मिला, बट आज आपको ये डाउन ट्रेंड क्रिएट करता हुआ देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके 52 वीक हाई को, तो गाइस आप देख सकते हैं 1504 की इसने 52 वीक हाई जो कि 18 अक्टूबर यानी गाइस लगभग दो दिन पहले ही इसने अचीव किया है अपना 52 वीक हाई, और शेयर में गिरावट देखने को मिली है। यानी गाइस एक तरह से आप कह सकते हैं कि शेयर में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, जिसकी वजह से शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मैं आपके साथ एक न्यूज़ भी कवर करने वाला हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी गिरावट इतनी बड़ी जो है देखने को आज मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिलहाल इसकी डिलीवरी क्या रही है। तो आप देखते हैं करंट अपडेट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ गाइस 21 अक्टूबर की, वो भी 3 बजे का गाइस, आप देख सकते हैं 3 o'clock यानी कि 15 o'clock का मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ इसका डिलीवरी। अगर इसकी क्वांटिटी ट्रेड की बात करें, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 77,18,072 की जो है इसकी क्वांटिटी ट्रेड करता हुआ शेयर देखने को मिला। अगर इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 14,32,860 की इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी, यानी कि अगर परसेंटेज को ध्यान दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 18.56% की आपको ये डिलीवरी करता हुआ शेयर आज देखने को मिला। लेकिन अगर कंपेयर करते गाइस अगर देखें, तो ये काफ़ी अच्छी डिलीवरी देखने को नहीं मिल रही है, आपको काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। यानी कि बायर्स जो है थोड़ी कमी हावी होते हुए देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हावी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बायर्स के परसेंटेज देखें तो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि शेयर जो है आज काफ़ी गिरावट में देखने को मिली है। तो आइए जानते हैं इसकी न्यूज़ क्या है, आज क्यों ये शेयर में आज इतनी गिरावट देखने को मिली है। तो जैसा कि मैं आपको न्यूज़ के लिए कवर कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का मैंने चार्ट लगा रखा है, और अपडेट मैं आपको क्लियर करूं, जो कि आप न्यूज़ में देख सकते हैं क्लियरली वेडनेसडे 20 अक्टूबर का, इस कल का अपडेट मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। आप देख सकते हैं क्लियरली हैवेल्स का जो मैंने चार्ट लगा रखा है, ये क्वार्टरली का रिजल्ट के बाद गाइज यानी कि पैट में यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि प्रॉफिट के बाद गाइज अगर टैक्स काटने के बाद जो इसकी प्रॉफिट बची है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कि 302 करोड़ की इस बार आपको देखने को मिल रही है रिजल्ट के अनुसार। अगर पिछले ईयर में देखें तो 326 करोड़ की आपको देखने को मिल रही थी, यानी कि पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले ईयर के अपेक्षा इस बार के रिजल्ट में आपको काफ़ी डाउन देखने को मिला है प्रॉफिट यानी कि टैक्स के निकालने के बाद यानी कि पैट के गाइस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो है इसके रिजल्ट जो है काफ़ी डाउन देखने को मिली है। लेकिन अगर इसके इनकम की बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके इनकम जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस बार काफ़ी क्लियरली और काफ़ी इंक्रीजिंग देखने को मिली, जो कि पिछले ईयर में आपको 2,459 देखने को मिली थी, इस बार की बात करें तो 3,238 करोड़ की आपको देखने को मिली। यानी गाइस इनकम इसकी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन अगर खर्च की बात करें, तो गाइस खर्च कुछ ज़्यादा ही करता हुआ देखने को मिला, टैक्स में कुछ खास ज़्यादा ही खर्च देखने को मिला, और उसके बाद जो है इसके टैक्स काटने के बाद इसकी टोटल प्रॉफिट जो है 302 करोड़ की ही बची है, जो कि पिछले ईयर में आपको 326 करोड़ की देखने को मिली थी, जो कि इस बार आपको काफ़ी डाउन देखने को मिला है। यानी कि इसी की वजह से आपको शेयर में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, शेयर जो है इस बार आपको काफ़ी क्लियरली डाउन ट्रेंड बनाता हुआ देखने को मिला है, शेयर जो है इस बार आपको लॉस में देखने को मिल रहा है। तो आइए मैं आपको चार्ट पे इसके आज का सेंटीमेंट क्लियर करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने जो है वन डे कैंडल के साथ जो है हैवेल्स इंडिया का चार्ट लगा रखा है, और जो कि आरएसआई का इंडिकेटर के अनुसार भी मैं आपको कंफर्म कराने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपके सामने आरएसआई का इंडिकेटर भी लगा रखा है। अगर बात करें इसके आज के कैंडल्स की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, जो कि इसके अपना
फर्स्ट और सेकंड सपोर्ट ब्रेकडाउन करते हुए गाइस आज थर्ड सपोर्ट तक पहुंचता हुआ देखने को मिला। लेकिन अगर जैसा कि क्लियर कर देखें तो ये आज अपना क्लोजिंग जो है अपने सेकंड सपोर्ट पे ही प्रोवाइड किया है, यानी गाइस इसने 1259 पे अपनी क्लोजिंग क्लियर की है। लेकिन अगर बात करें गाइस इसकी यानी कि सेकंड सपोर्ट के बाद इसके बन रहे फर्स्ट सपोर्ट को जो कि इसने ब्रेकडाउन किया है 1364 पे, इसका फर्स्ट सपोर्ट जो कि बन रहा था इसको भी ये ब्रेकडाउन करते हुए काफ़ी नीचे तक, यानी गाइस शेयर का रिजल्ट जैसा कि आप देखें तो काफ़ी खराब आता हुआ, यानी कि गाइस काफ़ी अच्छी देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो शेयर में काफ़ी बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। तो आइए देखते हैं इसके अगले दिन का सेंटीमेंट्स क्या हो सकता है और अगले दिन आपको ये किस तरह से कैंडल्स प्रोवाइड करता हुआ शेयर देखने को मिल सकता है। जैसा कि अगर बात करें तो इसने अपने क्लोजिंग जो है सेकंड सपोर्ट पर प्रोवाइड किया है, और अगर थर्ड सपोर्ट की बात करें तो 1214 की इसकी थर्ड सपोर्ट बन रही है जो कि इसने आज अचीव किया है। और अगर बात करें आरएसआई के सिग्नल्स के अनुसार तो आज देख सकते हैं आरएसआई जो है आपको कन्फर्म अभी सेल का ही सिग्नल इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो इसने अपने दो दो सपोर्ट अचीव किए, तो चांसेस गाइस अगले दिन आपको यहाँ से बुलिश के भी बन सकते हैं। और अगर शिक को ध्यान दे तो आप यहाँ पे क्लियरली जो है बायर्स काफी ज्यादा हावी होते हुए देखने को मिल रहा है, और यहाँ से आपको अप कैंडल्स के चांसेस क्लियर हो सकता है। तो गाइस अगले दिन आपको जो है आरएसआई भी आपको कंफर्म बुलिश के सिग्नल्स प्रोवाइड करा सकते हैं, तो आप अगले दिन ट्रेडिंग सेशन पे फोकस बनाए रखें। तो आइए मैं आपको क्लियर करता हूँ अगले दिन जो है बुलिश कैंडल के साथ इसके बन रहे टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने अपने जो क्लोजिंग यहाँ प्रोवाइड किए, तो हो सकता है अगले दिन अगर थोड़ी गैप डाउन भी ओपनिंग होती है तो आपको बुलिश कैंडल के चांसेस मिल सकते हैं। तो इसके फर्स्ट टारगेट जो है 1290 के बन सकते हैं, लेकिन अगर बात करेगा इसके ओपनिंग की तो हो सकता है आपको कल ओपनिंग गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। तो आइए कम समय में आपका टारगेट 1364 की देखने को मिल रही है जो कि एक आपको कुछ ही दिनों के अंदर गाइज आपको काफ़ी अच्छी प्रॉफिट दिला सकती है। और अगर यहाँ से देखें तो आप यहाँ को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, गाइज ये गैप को फिल करने के लिए शेयर जो है अप कैंडल बनाना जरूर चाहेगा। आगे बढ़ते हुए अगर इसके बात करें सेकंड टारगेट की तो 1482 की इसकी सेकंड टारगेट जो कि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दिला सकती है और एक बड़ी प्रॉफिट भी दिला सकती है। आइए आपके सामने एक नई टारगेट में मैं क्लियर कर दूँ, तो आप देख सकते हैं 1566 की एक नई टारगेट आपको देखने को मिल रही है जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉफिट दिला सकती है। अगर आप शेयर में थोड़ी समय के लिए वेट कर सकते हैं, तो शेयर को बाय करने के बाद थोड़े समय के लिए होल्ड करें तो आपको एक बड़ी प्रॉफिट मिल सकती है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के शेयर न्यूज़ हमेशा पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।